शार्क्स, हम लोग कभी हार नहीं मानते पर हमेशा अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स चिपकाते रहते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स को ही देख लीजिए, रोज रात में हम ये सोच के सोते हैं कि कल सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाएंगे, बट रियल लाइफ में होता क्या है, एग्जाम से जस्ट 2 घंटे पहले अपनी सारी किताबें खोल के बैठ जाते हैं और उसी 2 घंटे की मेहनत हम एग्जाम में लिख भी आते हैं। या यूं ही देख लो, हर सेमेस्टर से पहले सोचते हैं कि इस बार तो 100% अटेंडेंस होगी, पर होता क्या है, हर बार बैक आ जाती है। पर शख्स, कुछ गोल्स ना ऐसे होते हैं जो हम स्टूडेंट्स क्या बड़े से बड़े प्रोफेशनल भी कई बार अचीव नहीं कर पाते, जो है कि मैं कल से रेगुलरली जिम जाऊंगा। ये अचीव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बिजी हमारी लाइफ है और स्केड्यूल बड़ा ही ज्यादा टाइट है। जब भी हम एक जिम का सब्सक्रिप्शन बनाते हैं, हम जानते हैं कि हम महीने में 15 से 18 दिन से ज्यादा कभी जा ही नहीं पाएंगे और बाकी पैसे बर्बाद। जब हम ये बात जानते हैं तो हम क्यों पूरे महीने के पैसे बार बार भरे जा रहे हैं? तो आपके यही पैसे बचाने के लिए हम लेकर आए हैं मी पैक। हेलो शार्क्स, मैं हूँ ऋषभ आहूजा, मैं 20 साल का हूँ और रामलाल आनंद कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स कोर्स का 3rd ईयर स्टूडेंट। हाय शार्क्स, मेरा नाम है रोहन, मेरी उम्र है 20 साल और मैं दयाल सिंह कॉलेज के बीए प्रोग्राम का एक स्टूडेंट हूँ और हम हैं स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिसका सिर्फ नाम ही काफी है। तो ये स्टार्टअप करने का कीड़ा हमें काफी टाइम पहले से है, जब से हमने स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसी स्टोरी सुनी। मन था कि हाँ एक स्टार्टअप करेंगे और हमने कॉलेज के 2nd ईयर होते होते एक स्टार्टअप कर भी दिया, जो है मी पैक, आपका अपना कस्टम जिम सब्सक्रिप्शन। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मंथली नहीं, ईयरली नहीं, अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपना जिम सब्सक्रिप्शन खुद ही डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ थर्सडे और सैटरडे जिम जाना है तो आप सिर्फ उसके पैसे दीजिए। आपको पूरे महीने में 10 से 15 दिन ही जिम जाना है तो आप सिर्फ उसी 10 से 15 दिन के पैसे दीजिए। इसका मतलब ये कि अब आप अपने खुद के स्केड्यूल के हिसाब से अपना जिम प्लान क्रिएट कर सकते हैं। शार्क्स, अभी तक हमारे टोटल 75 जिम्स वेबसाइट पे लिस्ट हो चुके हैं। हमारा सोल गोल है मी पैक को एक फिटनेस स्टार्टअप बना के एक बहुत हाई लेवल पे पहुंचाना। हमारी आस्क है 7 लाख रुपए फॉर 10% इक्विटी। तो आइए शार्क्स, अब अपने हिसाब से बनाएंगे 6 पैक विद मी पैक। तुम्हारी 6 पैक दिखाओ। स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है शार्क टैंक सीजन 3 पे। थैंक यू सर। ये नीट में अराइज क्यों देखिए, तुम लोग ऐसे लगते नहीं ना देखिए कि तुम बॉडी बिल्डर हो, ये तुम्हारे को जिम का आइडिया आया कैसे इन द फर्स्ट प्लेस? सर बेसिकली जब कोविड टाइम्स था तो हमारे पास भी पैकेज था, तो उस टाइम पे ये हुआ था कि सारे जिम्स अचानक से बंद हो गए थे, तो हमको भी हिट किया कि यार पैसे तो पूरे साल के भर रखे हैं बट गए तो हम सिर्फ 1-2 महीने, तो इसलिए हमने सोचा कि यार फिटनेस में कुछ करते हैं क्योंकि पैसे सबके वेस्ट हुए हैं, सबने सब्सक्रिप्शन खरीदा हुआ था। तो हमने सोचा कि एक फिटनेस स्टार्टअप बनाते हैं जहाँ के लोग एक खुद का जिस दिन वो फ्री है उस दिन जाएंगे और उनके पैसे भी बचेंगे। 85% लोगों के साथ यही होता है, वो एक प्लान ले लेते हैं और हफ्ते में 2 या 3 दिन ही एट मैक्स आ पाते हैं, तो एट द एंड कितना बना, 15 से 18 दिन, तो आधे पैसे तो वेस्ट हो रहे हैं। भाई ये सही बात है, जिम पता है कितने सारे ज्वाइन करे हुए हैं मैंने भी और कितनों के पैसे दिए हुए हैं और कभी नहीं जा पाता। बिल्कुल सच बात है, नीड है मार्केट में, हमने काफी सर्वेस भी करे और सब यही कहते हैं। एक बार आपका वेबसाइट दिखाएंगे, आप बता रहे थे कि 75 जिम्स लिस्टेड है। हाँ जी। तो शख्स, ये हमारी वेबसाइट जिसपे दिल्ली के अलग अलग एरियाज के 75 से ज्यादा जिम्स लिस्टेड है जो आप सिंपली स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मगर सर आप दिल्ली में रहते हैं तो हम आपका एक मी पैक क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली के किसी भी एरिया को बिलोंग करते हैं, फिर आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि वहाँ के टॉप जिम्स हमने कौन से लिस्ट करे हैं। क्लिक करने के बाद आप देखें कि वहाँ के क्या वाइब है, फोटोज अच्छी है या नहीं। हम स्क्रॉल डाउन करके ये चेक करेंगे कि वहाँ पे कितने ट्रेनर्स हैं और वो ट्रेनर्स क्वालिफाइड हैं, कितने सर्टिफिकेशन करे हैं, क्या उनके एक्सपीरियंस है। साथ ही आप ये देख पाएंगे कि वहाँ पे कितने इक्विपमेंट्स रखे हैं। आपको जिम पसंद आता है, आप क्रिएट मी पैक पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आज के दिन से अगले 30 दिन तक का कैलेंडर खुलता है, तो आप खुद के अकॉर्डिंग वो डे सेलेक्ट करते हैं जिस दिन आपको वर्कआउट करना है। मिनिमम 10 डे सेलेक्ट करने होते हैं। साथ ही आप ये देख पाएंगे कि अमाउंट एक्युमुलेट हो रहा है पर डे के अकॉर्डिंग। कितना बैठ रहा है पर डे? 10 डेज 670 रुपीज। ये हमारा वेंडर पैनल जो हम जिम को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसपे वो देख सकते हैं कि उनकी आज की बुकिंग कितनी है, साथ ही इस पूरे महीने की बुकिंग कितनी है। और क्या कस्टमर डेट्स बदल सकता है? कई बार जैसे हमारा भी होता है कि प्लान थर्सडे का था पर लगा कि आज थर्सडे को नहीं जा पा रहे, फ्राइडे को जाएंगे, तो कैसे डेट्स बदला जा सकता है कि एक बार बुक कर लिया तो फाइनल है? हमने ये सिस्टम रखा है कि आप अगर आपने एक डे चूज करा है तो आप उसको +1 -1 कर सकते हो। मतलब थर्सडे है तो आप वो रेंज में। बिल्कुल हाँ। यार ये बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है। पहले तो जिम जो जाते हैं रेगुलर जाते हैं वो जिम जो सीरियस होते हैं वो जिम की मेंबरशिप लेके वहां जाते हैं, लेकिन जो मेरे जैसे लोग होते हैं मेंबरशिप मैंने हर जगह ली हुई है, गया कहीं नहीं, ऐसे लोग तो कुछ भी बेच ले नहीं बिकेंगे। उनका भी अभी देखिए कल्ट फ्लेक्स आ गया है,
जो कि एक फ्लेक्स का भी एक प्रोडक्ट आया हुआ है ना, जिससे आप उनके कई जिम्स में यूज कर सकते हैं थर्ड। और ये कल्ट फिट सिर्फ अपने जिम्स के लिए कर रहा है, जनरल की बात करते हैं तो फिटनेस मार्केट में ना बहुत टाइप के कस्टमर है, बहुत टाइप के। 10% होते हैं जो बहुत लॉयल है, जो हर टाइम आएंगे ही आएंगे। फिर कुछ लोग आते हैं जो कि ठीक है, कभी चले जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, मूडी टाइप के। और कई लोग होते हैं जो जेन्युइनली फिटनेस चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे कि यार शेड्यूल बड़ा टाइट है, कभी दो दिन मिस हो जाते हैं तो रूटीन छूट जाता है, फिर दो दिन मिस हो जाते हैं तो मन ही नहीं करता वापस जाने का। इस चीज को ठीक करना चाह रहे हैं हम, और वो चंक बहुत बड़ा। तो आप खाली थर्ड सेट पे हो? हाँ जी। आई डोंट अग्री यार, मुझे लगता है यार कि वो सेगमेंट थोड़ा छोटा है। एक तो वो आपने जो बोला जो 5-10% डेडिकेटेड होते हैं, आई थिंक इट्स मोर देन दैट। मैं काफी साल से जिम जाता हूँ तो 20-25% आपको मिलेंगे जो रेगुलर यूजर्स हैं। फिर एक सेगमेंट होता है जिसकी प्रिडिक्टेबल नहीं है यार स्केड्यूल, कि वो थर्सडे टू थर्सडे 10 डेज चूज करके जाए। उनको मेंबरशिप इसलिए लेते हैं कि जब भी टाइम मिले, जस्ट लाइक अ मंथ, इंटेंट है जाने का, लेकिन आइदर टाइम नहीं मिल रहा है या लेजी है या खाना बटर चिकन ज्यादा खा लिया, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब जाना चाहूं जा सकता। ये करते ही वो फ्लेक्सिबिलिटी गई, ही इज आउट एज अ कस्टमर। बचा वो बार्गेन हंटर, डील हंटर, जो सोच रहा है कि भाई पैसे भी कम लगेंगे और मैं स्केड्यूल फिक्स कर देता हूँ और शायद यूज करूंगा एंड मे बी दे विल गो बिकॉज दे आर बार्गेन हंटर। जब प्रीमियम जिम्स में हम जाते हैं वहां पे लोग होते हैं डेडिकेटेड कि हाँ अब आते रहेंगे, वो आते रहेंगे, बट स्मॉल एंड मीडियम साइज पे ऐसे बहुत लोग हैं जो कभी जाते कभी नहीं जाते। तो हमने अपने कॉलेज में सबसे पहले सर्वे किया, 200 से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे पूरे डीयू में करा, 90% लोग यही कहते थे कि यार ये जिस दिन लॉन्च होगा ना हम आना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए यार, यही तो प्रॉब्लम होती है हमारे। इंडिया के पॉपुलेशन में ना मिडिल क्लास हो गए ना डील हंटर्स, जो मैंने कहा वही सेगमेंट हो गई ना डील हंटर्स। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें डील है क्या, मिनिमम 10 दिन चूज करने मैंडेटरी है। हाँ, एक महीने में है ना, तो 700 रुपए तो मेरे बैठ गए, 670 तुमने दिखाया अभी। कल्ट फिट अगर मैं एनुअल बैग लेता हूँ तो 1000 रुपए में मिल जाता है महीने के हिसाब से, राइट? 300 रुपए ज्यादा देके इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की साल में कभी भी जा पाऊँ। साथ में ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किसी भी मंथ पॉज कर सकते हो उसके अंदर, राइट राइट राइट। और एवरेज डेज तुम्हारे कितने दिन सब्सक्राइब करते हैं नॉर्मली लोग? 10 तो मिनिमम है, एवरेज कितना सब्सक्राइब? 15 डेज। 15 दिन के अगर तुम लगाओगे तो 1000 रुपए बैठे ना, जैसे अच्छा मैं एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लूंगा 1000 रुपए महीने पे, मतलब आई एम स्टिल नॉट क्लियर हाउ इज इट अ बेटर ऑफर, राइट? कल्ट फिट का जिम एक एरिया में एक या दो मिलता है हमें, नहीं कल्ट फिट का प्रीमियम जिम इन क्वालिटी, तो जो नीचे वाले जिम है उसे कम ही देंगे ना एनुअल सब्सक्रिप्शन, उसे ज्यादा में थोड़ी देंगे। और ये जो है आपने प्राइस देखा, ये पर्टिकुलर एक जिम का था, कई जिम है जो पर डे 30 भी ले रहे हैं, कई जिम है जो पर डे 50 भी ले रहे हैं। नहीं बट शायद मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफरिंग इतना फाइनेंशियली डिफरेंशिएटेड नहीं है कि पीपल जंप ऑन दिस ऑफरिंग, इज व्हाट आई मीन, आई विल कंक्लूड हियर। अमन कंज्यूमर इतना अट्रैक्टिव नहीं है, आई एग्री विद यू। अब हम लोगों को लग रहा है आपके बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है, तो बता दो आपके कोई धमाकेदार नंबर है। नहीं अभी हमने 3 महीने पहले शुरू करा है अपना बिजनेस, एंड अभी हमारा MVP स्टेज पे है। ये वेबसाइट वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, इनिशियल सेल्स आई है 12-12.5 हज़ार के आसपास 3 महीने के अंदर। हमने एक्चुअली अपनी ग्रोथ को 3 फेजेस में बांट रखा है। अभी फेज 1 है जहाँ कस्टम जिम सब्सक्रिप्शन हो रहा है, इसमें योगा जुम्बा एड ऑन होगा फेज 1। फेज 2 में हम जिम्स की तरफ और जाएंगे जब उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जिम्स में ज्यादा दिक्कत क्या आती है, ट्रेनर को हायर करने में। ट्रेनर हायरिंग के लिए कभी लिंक्डइन नहीं होता और कोई मीडियम है नहीं। अच्छा समझ गया। अब मेरे को ये बता, तुमने ये जब स्टार्ट किया था कितने पैसे लगाए थे? वेबसाइट वगैरह खुद ही बना ली थी? टोटल 75,000। किसने करता? हमारी फैमिली फ्रेंड है, उनकी कंपनी है, वेबसाइट्स में ही एप्स में उनका डेवलपमेंट रहता है, तो उन्होंने डिस्काउंटेड रेट पे हमारी वेबसाइट बनाई। बढ़िया है, बट देख मैं आउट हूँ, तुम लोग बड़े अभी थोड़े जैसे मैं कहता हूँ रॉ। और अच्छा है एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया पढ़ाई करते हुए, मैंने भी करा था, उससे सीखने को बहुत मिल जाते हैं और गलतियां समझ आ जाती है, और शार्क टैंक पे आने को मिल गया, तुम कॉलेज में भी हीरो बन जाओगे। बट कुछ और करना है या फोर्थ ईयर में नौकरी वोकरी ढूंढ लेना, ये बिजनेस को ज्यादा देर मत चलाओ। ओके, बट नौकरी तो नहीं करेंगे, ये तो हमारे शुरू से ही क्लियर ट्राई करेंगे, बट ठीक है, गुड गुड, आई एम आउट। जिम्स आर नॉट अ न्यू बिजनेस, ट्रू, डेकेड्स ओल्ड बिजनेस, और बहुत लोगों ने इसको अलग-अलग तरीके से ट्राई करके ये फॉर्मेट पे आए हैं कि 70-80% डोमिनेंट मेंबरशिप होनी चाहिए तभी इकोनॉमिक्स बनता है, या तो आप बहुत एलीट हाई प्राइस जिम बने, वो इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट अब तक है नहीं। बिल्कुल। तो यू नो मुझे नहीं लगता है कि इट मेक्स सेंस टू गो अगेन एंड ट्राई समथिंग जो सब लोग करके हार मानते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी फंडामेंटली, इस रीजन से मैं आउट हूं। लेकिन यार यू टू
आई थिंक आर वेरी शार्प. मैं यही इनपुट दूंगा आपको कि ट्राई टू लुक एट दिस डिस्पैशनेटली और इससे हट जाइए भाई. आपका टाइम जाया होगा. फाइंड अ न्यू मॉडल. बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया में एंड गाइस लाइक यू कैन बिल्ड समथिंग वेरी वैल्यूएबल. सो डोंट वेस्ट योर टाइम. गुड लक. हाल ही में आपको पता है ना एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था 70 आवर वर्क वीक. हाँ जी बिल्कुल. राइट. और सब लोग बोल रहे थे हाँ हाँ 70 क्या 140 करना चाहिए. तो इससे एक ही चीज का एक ही सेक्टर का भूलती नहीं है कुछ. एक ही सेक्टर का बिजनेस बनेगा वो है फार्मा. बिकॉज फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो खत्म हो जाएगी तो जिम्स का भी बिजनेस बनेगा. बट एट द सेम टाइम आपका जो मॉडल है वो नहीं चलेगा. इराटिक कंज्यूमर है. रिफंड्स होगा. खिटपिट का काम होगा. ये प्लस वन माइनस वन करते करते इट इज जस्ट टू मच ऑफ अ हेडेक फॉर वेरी लिटिल मनी. तो आई एग्री विद जो आपको यहाँ फीडबैक मिला है वो इनसाइट से आई थिंक यू कैन स्टार्ट अनदर बिजनेस जहाँ ज्यादा पोटेंशियल है. बट दिस डोंट थिंक अबाउट इट लॉन्ग टर्म. सो आई एम आउट. आज इस बिजनेस में जैसा आप बता रहे हैं कि इंडिविजुअल जिम्स को ऑर्गेनाइज करने का इस पे कोई आप लोग देखते हैं कि कोई और प्लेयर्स भी हैं? सी एक प्लेयर जैसे आपने बताया कल्ट है वो तो इंडिपेंडेंटली एक जिम हो गया. एक प्लेयर है फिटपास. वो करते क्या है वो एक आपको सब्सक्रिप्शन दे देंगे महीने का जो आप इंडिया में कई उनके एसोसिएटेड जिम्स है वहाँ टैप ऑन करके उस जिम में उस दिन का वर्कआउट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट फिटपास डज. वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. हम कहते हैं कि हम अफोर्डेबिलिटी भी आपको दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसको सस्ता बना लीजिए. फिटपास का क्या भाव होगा महीने का? फिटपास 1000 के अराउंड होता है. सेम है कल्फिट के आसपास के सेम अमाउंट का 1-1.5 हज़ार उनका वैरी भी करता है कई बार. आपका इन्वेस्टमेंट का यूज ऑफ प्रोसीड्स क्या होगा? क्या आप करेंगे इन्वेस्टमेंट का? चलिए हमने इसे चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है 10, 20, 30, 40. 10% हम रखेंगे अपने टोटल हायरिंग प्रोसेस के लिए. 20% रिजर्व की कोई मिसलेनियस खर्च आते हैं तो हम वो कर सकते हैं. 30% ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए. और 40% वुड बी कि हमें अपना वेबसाइट अपग्रेडेशन करना है, एक ऐप बिल्ड करना है तो वहाँ के खर्चे. आप अपने बिजनेस मॉडल को लेकर के कितने फ्लेक्सिबल हैं? बिल्कुल फ्लेक्सिबल है. हम देखते हैं कि हमें ग्रोथ चाहिए. हम चाहते ही यही है कि फिटनेस का वन स्टॉप सॉल्यूशन बनना है. ऐसा नहीं है कि कस्टम जिम सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं तो इसी पे अटके पड़े हैं. अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ ना तो मैं एक लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जो कि जिम के डे टू डे मैनेजमेंट में काम आए. ठीक है. यानी कि हर जिम मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है इंडिपेंडेंट. कल्टफिट वगैरह तो खुद का सॉफ्टवेयर होगा बट छोटे जिम का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता. बिल्कुल. मैं अगर तुम्हारी जगह हूँ तो मैं बोलूंगा चलो एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जहाँ पर एक जिम का ऑटोमेशन हो जाए पूरे जिम ओनर के लिए. उसको दिखेगा कितने एक्टिव मेंबर हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. इसमें इसी में कम्युनिकेशन लेयर है. एक बटन दबाया जो लोग नहीं आ रहे उनको सर आप आए नहीं बड़े दिन से. कस्टमाइज मैसेजिंग जा रही है पर्सनलाइज्ड. इसका थोड़ा फी भी लूंगा तो मेरा कॉस्ट कवर हो जाएगा आराम से. लॉस नहीं होगा. अब इसके ऊपर यू कैन नाउ बिल्ड एनीथिंग यू वांट. यू कैन बिल्ड दिस बिकॉज नाउ जिम्स आर यूजिंग यू फॉर अ पर्पस. यू कैन बिल्ड ई कॉमर्स. यू कैन सेल हेल्थ सप्लीमेंट्स वेयर दे कैन बी मेजर मनी. पीपल गोइंग हियर राइट. आई वुड बिल्ड इट एट अ प्लेटफॉर्म for gym owners and then go solve this problem in my view. और अगर आप दोनों में से कोई भी एक जना कोडर होता ना फ्रेंकली तो मैं पैसा डाल भी देता क्योंकि आज तो बहुत छोटी सी आपकी. बिल्कुल. क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ इवॉल्व कर सकते हैं. चलो एक कंडीशनल ऑफर देता हूँ. तुम एक co-founder लाओ. ठीक है. जो कि ये कोड कर पाए जो प्लेटफॉर्म में बात कर रहा हूँ. एंड यू विल फर्स्ट बिल्ड दिस इंडिपेंडेंट जिम सोल्यूशन विच नोबडी हैज बिल्ट विच विल ऑटोमेट ऑल दीज जिम्स एंड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर देम. इसका सॉफ्टवेयर बनाना है. ठीक है. मुझे लगता है कि आपके बिजनेस में सॉफ्टवेयर के साथ साथ उस सॉफ्टवेयर से स्पेसिफिक जिम से एक्सक्लूसिविटी ज्यादा वैल्यू एडिशन के साथ में ले आने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है. और ये मैंने किया हुआ है हमारे बिजनेस में स्केल पे. राइट. तो उस कारण से मैं और अमित भाई दोनों साथ में आना चाहेंगे. हम दोनों साथ में आपको जो आपका ऑफर है 10% के लिए 7 लाख वो हम आपको देंगे. और इसके साथ साथ हम आपको मदद भी करेंगे और हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें और आप फिटनेस का रेवोल्यूशन लेकर के आए देश भर में और ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी. एक टेक को फाउंडर लाना अपने को बस है ना. तो सर डील पक्की है. डन करते हैं इसको. चलो आ जाओ जी. गुड लक गाइस. नाइस. थैंक यू सो मच. सर लगता है इसमें पैसे बन सकते हैं? यार देख मैं ना बिल्कुल बन सकते हैं. स्पिरिट पे वेट कर रहा हूं. स्पिरिट ऑन द गाइस ऑन द टीम. और कि एंटरप्रेन्योर्स विल क्रिएट. अगर ये बना दिया ना 100 जिम को भी भेज दिया तो पैसा तो आ ही जाएगा.